फोकस है, क्या ट्रांसजेंडर पुरुष टेस्टोस्टेरोन एचआरटी लेते वक्त लिबिडो में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव देखते हैं? अगर हाँ तो किस वजह से हो सकता है? हाँ तो क्या होते हैं, हाँ टाइम टू टाइम मतलब वो वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे मैं बताया था कि मॉर्निंग लेवल मॉर्निंग टाइम में जैसे अराउंड अबाउट 8 AM मतलब वो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का पीक वैसे मतलब होते हैं नॉर्मल मेल्स में, लेकिन जो हार्मोन ले रहे हैं मतलब वो तो डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होगा। फिर जो अगर मतलब इंजेक्टेबल ले रहे हैं तो मतलब वो एक ट्रफ होते हैं, पीक्स एंड ट्रफ्स होते हैं, तो मतलब वो जैसे 1 week या 2 weeks के बाद मतलब लेने के बाद एक मतलब वो ट्रफ हो सकते, फिर मतलब वो जब मतलब लेंगे एक मतलब एक पीक होगा टेस्ट सिस्टम का, तो वैसे भी हो सकते हैं। और दूसरा मतलब मेथड्स के वैसे मतलब जैसे मतलब वो जो डिलीवरी सिस्टम मतलब अलग अलग डिलीवरी सिस्टम है तो उसके वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन्स मतलब हो सकते हैं, तो वैसे हाँ वो ऐसे मतलब वो अफेक्ट करेंगे। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हार्मोन का कोई हाथ नहीं है, जैसे कि लाइफस्टाइल या रिलेशनशिप के बदलाव, जो टेस्टोस्टेरोन एचआरटी के साथ काम करते हैं ट्रांसजेंडर पुरुषों में लिबिडो को बढ़ाने में? हाँ लाइफस्टाइल रिलेशनशिप का मतलब आप पूछ रहे हैं मतलब वो लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप के मतलब क्या इफेक्ट्स मतलब हो सकते हैं। हाँ डेफिनेटली अगर आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे मतलब आप मतलब आपका वो मेंटली आप मतलब फ्री है मतलब वो उस एनवायरनमेंट में डेफिनेटली हो सकते हैं आपका लिबिडो वो बढ़ेंगे। फिर आपका ऑपरेसिव एनवायरनमेंट में अगर आपका है डेफिनेटली आपका वो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि मतलब वो उसके वजह से मतलब थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएंगे। तो बाकी तो जो इफेक्ट्स में ऑलरेडी मतलब जो हम लोग डिस्कस किया वो डेफिनेटली वो फैक्टर्स भी हम फैक्टर इन करना पड़ते हैं।